चालुक्य वंश बेगी। इससे पहले जो अपने दो लेक्चर में पढ़ाए हैं कल्याणी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य वंश, और ये एक और जो लेक्चर है चालुक्य वंश बेगी इसके बारे में, नहीं ये कुछ विशेष जानकारी इसके बारे में प्राप्त नहीं होती है। इसका संस्थापक विष्णुवर्धन होता है, संस्थापक जो होता है विष्णुवर्धन होता है इसका, और राजधानी इनकी बेगी होती है आंध्र प्रदेश बेगी। इसके जो शासक हुए जयसिंह, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयश्री द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय, विजयादित्य। विजयादित्य जो शासक होता है ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है, महान शासक होता है इस वंश का, चालुक्य वंश बेगी का। और इसका जो सेनापति होता है पंडरंग, इसका सेनापति होता है, कौन होता है इसका सेनापति? पंडरंग। विष्णुवर्धन जो संस्थापक होता है। इसके बाद जो अनेक छोटे छोटे शासक जो हैं, देखिए ये शासक मैंने इससे पहले जो अपन ने तीन चीज़ें तीन टॉपिक कम्प्लीट किए हैं, वातापी के चालुक्य वंश और वातापी के जो चालुक्य में हुए हैं जो शासक हुए हैं जय सिंह, पुलकेशन, कीर्तिवर्मन, इस तरह के शासक अपने देखे गए हैं। और कल्याणी के जो शासक हैं वो पढ़े हैं तैलब प्रथम, तैलब द्वितीय, विक्रमादित्य और जय सिंह और सोमेश्वर। उसके बाद एक के बाद जो शासक मैंने पिछले लेक्चर में आपको कम्प्लीट किया है। इसके बाद जो आज का लेक्चर था अपना बेगी के चालुक्य वंश, बेगी के चालुक्य वंश, बेगी के चालुक्य वंश के बारे में जो मैंने आपको बताया, जय सिंह, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन, जय सिंह और विष्णुवर्धन तृतीय, ठीक है। जो मैंने आपको कंप्लीट किया है चालुक्य वातापी कल्याणी के जो शासक थे वो सब टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगला जो लेक्चर रहेगा अपना चोल वंश के बारे में रहेगा, चोल, चोलों ने किस तरह से शासन किया उसके ऊपर एक के बाद एक जो लेक्चर अपने मैं आपको कंप्लीट करते जा रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और समझिए किस तरह से मैं आपको सब टॉपिक एक के बाद एक कंप्लीट कर रहा हूँ, और समझने की कोशिश कीजिए और पढ़िए और जानकारी जुटाइए।